हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू शेयर मार्केट विद मी। फ्रेंड्स, हिरानबा इंडस्ट्रीज़ की तरफ से मार्च क्वार्टर फिनांशियल रिजल्ट्स आउट हो चुका है। चलिए रिजल्ट्स को एनालिसिस करते हैं। यहाँ देख सकते हैं फिनांशियल रिजल्ट्स है, क्वार्टर और ईयर एंडेड का रिजल्ट निकल के आई है। तो हम लोग चलते हैं कंपनी के बिना देरी के इसके रिजल्ट्स की ओर हम लोग बढ़ते हैं, जो कि यहाँ पे स्क्रीन पर आप लोग देख सकते हैं। स्टैंड अलाउन रिजल्ट है, मिलियंस में नंबर्स है, जिसको मैं करोड्स में कन्वर्ट करके आप लोगों को बताऊँगा। इनकम की बात करें तो 354 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 400 करोड़ की इनकम थी और मार्च 21 क्वार्टर में 273 करोड़ का इनकम था। तो इस बार जो इनकम है क्वार्टर ओवर क्वार्टर में डाउन हुआ है, लेकिन ईयर ओवर ईयर में जंप देखने को मिल रहा है। प्रॉफिट्स की अगर हम लोग बात करें, कंपनी का जो प्रॉफिट निकल के आई है, जो कि प्रॉफिट फॉर द पीरियड ऑफ आफ्टर टैक्स 42 करोड़ का है, जबकि प्रीवियस क्वार्टर में 53 करोड़ की प्रॉफिट थी और मार्च 21 क्वार्टर में अगर बात करें तो 43 करोड़ का प्रॉफिट था। तो इस बार प्रॉफिट जो है क्वार्टर ओवर क्वार्टर ईयर ओवर ईयर दोनों में डाउन हुआ है, जो कि थोड़ा सा नेगेटिव लगता है फ्रेंड्स कि प्रॉफिट में गिरावट आ रही है। EPS में देख सकते हैं गिरावट है, जो कि 10.64 रुपीज़ का EPS है, जो कि प्रीवियस क्वार्टर प्रीवियस ईयर दोनों से इस बार जो है सो गिरावट देखने को मिल रहा है। देख सकते हैं फ्रेंड्स, कंपनी का परफॉर्मेंस जो है सो बहुत ही वीक देखने को मिला है स्टैंड अलॉन में, जो कि थोड़ा सा निगेटिव पॉइंट लगता है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जो है सो वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा, दोस्तों के साथ शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर कोई डाउट हो स्टॉक्स को लेकर, हिरानबा इंडस्ट्रीज स्टॉक्स को लेकर या फाइनेंशियल रिजल्ट्स को लेकर कमेंट बॉक्स में पूछें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। Till then, bye-bye.